Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 36, part 2 of Introduction to Error Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज की इस लेक्चर के कंटेंट में हम सेक्शन 4.1 एग्जांपल्स ऑफ लिमिट्स को स्टडी करेंगे। इन एग्जांपल्स को डिस्कस करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन स्टडी कर चुके हैं। डेल्टा डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है, वाई इज इक्वल टू एक्स, या कह लें आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। वैसे ये जो लाइन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये लाइन होती है, ये हमारे पास वैसे वाई इज इक्वल टू एक्स होती है, ये 45 डिग्री पर हमारे पास एक लाइन होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाई है। ये हमारे पास कोई सी पॉइंट है और इस पर जो फंक्शन की वैल्यू हो वो हमारे पास क्या है, एल है, ठीक है। फिर हम यहाँ पर डेल्टा और एप्सिलॉन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, एल प्लस एप्सिलॉन, और ये हमारे पास क्या होता है, एल माइनस एप्सिलॉन। ये जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो। और जो डेल्टा होता है स्टूडेंट्स, ये किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या क्या चूज करते हैं, आप चूज करते हैं एप्सिलॉन, उसके अकॉर्डिंग ही आप डेल्टा चूज करते हैं, ठीक है। यानी जो भी हम डेल्टा फाइंड करेंगे वो एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करेगा। तो ये हमारे पास डेल्टा होता है। तो अगर इसका अगर हम नेबरहुड ड्रॉ कर लें, ये नेबरहुड है, इस तरह आप एल का भी नेबरहुड ड्रॉ कर लें, ठीक है। यानी सी का हम डेल्टा नेबरहुड ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं सी प्लस डेल्टा, सी माइनस डेल्टा, ये हमारे पास इंटरवल होते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर में इस चीज को स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इस तरह आप जो एल का नेबरहुड ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एप्सिलॉन नेबरहुड होता है ऑफ एल। ये इक्वल होता है एल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, एल माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। ये भी आप प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। तो अगर हम इसके नेबरहुड से, ठीक है, इस सी के नेबरहुड से अगर आप कोई एक्स लेते हैं, जैसे जैसे एक्स सी को अप्रोच करता है, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एल को अप्रोच करते हैं। ये डेफिनेशन होती है हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन की। अगर हम इसे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखें तो हम किस तरह लिखते हैं कि एक्स माइनस सी का मॉड इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन होती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट की, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक्स माइनस सी का मॉड ये ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा होता है, तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, जो भी आप एप्सिलॉन चूज करते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप एप्सिलॉन चूज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही आप डेल्टा फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। यानी इस नेबरहुड से आप जो भी एक्स लेते हैं, आप लेंगे एक्स इसी नेबरहुड से लेंगे, तो जो भी आप एक्स लेंगे ये जैसे जैसे सी को अप्रोच करेगा उसी सूरत यहां पर जो भी यहां पर फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपने इस साइड से आपने एक्स चूज किया तो यहां पर ये एफ ऑफ एक्स बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट ये एफ ऑफ एक्स बनेगा और ये पॉइंट आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है एल है, तो इसी तरह जो ये एफ ऑफ एक्स होगा ये भी एल को ही अप्रोच करेगा। जैसे जैसे अगर आप यहां से एक्स चूज करते हैं वो सी को अप्रोच करेगा, उसी सूरत में जो एफ ऑफ एक्स होगा वो भी एल को ही अप्रोच करेगा। ये हमारे पास नाइन जो एल है, ठीक है, जो हमने आप चूज की है। तो ये डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो इसी डेफिनेशन को हम यूज करते हुए या इसी इक्वेशन नंबर वन को यूज करते हुए हम फॉलोइंग एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो पहली एग्जांपल है यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी बी विच इज इक्वल टू बी, ये हमने यहाँ पर प्रूव करना है। यहाँ पर हम एफ ऑफ एक्स को बी चूज कर रहे हैं, यानी इस बी को हम एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। वी वॉन्ट टू शो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट्स हमें गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी बी विच इज इक्वल टू बी, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, यहां पर मैं एफ ऑफ एक्स को बी चूज कर, यानी इस बी को मैं एफ ऑफ एक्स कह रहा हूं। तो अगर मैं इस बी को एफ ऑफ एक्स कहता हूं तो अब हमने स्टूडेंट्स क्या प्रूव करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये चीज हमने प्रूव करनी है। इफ एप्सिलॉन इज डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो इज गिवन। ठीक है, ये हम कोई एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं ग्रेटर देन जीरो, वी लेट डेल्टा विच इज इक्वल टू वन। ये हमने एप्सिलॉन चूज किया है, फिर हमने यहां पर डेल्टा चूज किया है विच इज इक्वल टू वन। देन इफ एक्स माइनस सी इज का मॉड इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा, यहां पर डेल्टा स्टूडेंट हमारे पास किया है वन है, तो वी हैव एफ ऑफ एक्स माइनस बी का मॉड विच इज इक्वल टू बी माइनस बी का मॉड विच इज इक्वल टू जीरो, जीरो विच इज लेस देन एप्सिलॉन। Since epsilon is greater than zero is arbitrary, we conclude that from definition 4.14 that limit of ठीक है x approaches to c f of x which is equal to b। ठीक है, तो उसने ये इस तरह इसको प्रूव किया। अब हम ये डेफिनेशन ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है इसको दोबारा देख लेते हैं। यहां पर हमें स्टूडेंट्स गिवन था लिमिट x approaches to c b which is equal to b, फिर हमने यहां पर f of x को b suppose किया है, then limit x approaches to c f of x हमारे पास अब b के इक्वल आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो epsilon delta definition है डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि x माइनस सी का मॉड इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा होता है। दिस इंप्लाइज f ऑफ x माइनस l का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ये हमारे पास डेफिनेशन। तो यहां पर अगर हम एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये चूज करते हैं, ये हम चूज कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स यहां पर डेल्टा अब हम ले रहे हैं वन। ठीक है, ये हम एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं और ये हम डेल्टा चूज कर रहे हैं। तो अगर हम ये वैल्यू चूज करते हैं देन आप फिर क्या लिखेंगे कि एक्स माइनस सी का मॉड
is greater than 0, less than 1, this implies f of x हमारे पास स्टूडेंट्स अब किसके इक्वल है, b के इक्वल है, लिमिट भी हमारे पास b के इक्वल है, ये हमारे पास लिमिट है l। वैसे डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन की, कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू l, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं l की जगह यहां पर क्या है, b है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि b माइनस b का मॉड इज लेस देन 0, ठीक है। यानी अगर हम वैसे लेस देन 0 ना लिखें, तो अगर आप b माइनस b का मॉड देखें तो ये हमारे पास आता है 0, और आप देख सकते हैं कि 0 इज लेस देन एप्सिलॉन या एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास डेफिनेशन होल्ड हो रही है, ये जो हमारे पास एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। तो अगर ये डेफिनेशन होल्ड हो रही है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू b, या हम लिख सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू c b व्हिच इज इक्वल टू b, ये हमारे पास क्या है कि ट्रू रिजल्ट है, ठीक है, ट्रू। बिकॉज ये डेफिनेशन होल्ड हो रही है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जीरो आ चुका है, b माइनस बी का मॉड व्हिच इज इक्वल टू जीरो, और पता है को जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, आपने ये चूज किया एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो। या आप अगर इस साइड से इसको स्टडी करें तो ये जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन बनता है, ठीक है। यानी b माइनस बी का मॉड ये हमारे पास जीरो आ चुका है और जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन, तो ये डेफिनेशन होल्ड हो रही है, ठीक है, ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। अगर ये डेफिनेशन होल्ड हो रही है दिस इंप्लाइज कि दिस रिजल्ट इज आल्सो ट्रू, कि ये रिजल्ट की ट्रू है। ये एग्जांपल आप इस तरह प्रूव करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर बी। यहां पर हमें गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स विच इज इक्वल टू सी, ये हमें गिवन है, ठीक है। यहां पर वही काम करेंगे, अब यहां पर हम एक्स को जी ऑफ एक्स कह रहे हैं और एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं इज ग्रेटर देन जीरो। इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो वी चूज डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो भी हमारे पास डेल्टा होता है ये एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करता है। तो अगर हम एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो चूज कर रहे हैं, वी चूज डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन, देन इफ एक्स माइनस सी का मॉड इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन, वी हैव जी ऑफ एक्स माइनस सी का मॉड विच इज इक्वल टू एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। सिंस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो इज आर्बिटेरी, वी डिड्यूस दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, ठीक है, जी विच इज इक्वल टू सी। यहां पर स्टूडेंट्स बाय डेफिनेशन क्या होता है, यानी एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक्स माइनस सी का मॉड इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन डेल्टा, तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन एग्जांपल नंबर बी में हमें गिवन था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स विच इज इक्वल टू सी, ये मीन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स विच इज इक्वल टू सी, ये हमें प्रूव करना था। जो डेफिनेशन होती है हमारे पास, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है कि एक्स माइनस सी का मॉड इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन। यहां पर हम एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ही हम
जो डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन ये वाली अप्लाई करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक्स माइनस सी का मॉड, देखें स्टूडेंट्स ये ग्रेटर देन जीरो होगा, लेस देन क्या होगा डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन। तो दिस इंप्लाइज, ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स, देखें एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास एक्स है यहां पर, एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन डेल्टा, सॉरी एप्सिलॉन। ठीक है, ये भी हम क्या चूज कर रहे हैं, ये हम एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं इस चीज को, और ये स्टूडेंट्स ग्रेटर देन जीरो चूज कर रहे हैं, ये जो एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होल्ड हो रही है। अगर हम ये चीज चूज करते हैं इन चीजों को तो फिर ये डेफिनेशन होल्ड हो रही है, तो दिस इंप्लाइज दिस रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू, ये रिजल्ट भी हमारे पास क्या है, ट्रू है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एक्स विच इज इक्वल टू सी। आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल में मजीद आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि हम डेल्टा किस तरह चूज करते हैं। नेक्स्ट जो हम एग्जांपल देखेंगे सी एग्जांपल, उसमें हम पहले एप्सिलॉन चूज करेंगे, फिर हम डेल्टा उसी के अकॉर्डिंग ही डेल्टा चूज करेंगे ताकि ये डेफिनेशन क्लियर हो सके। ये डेफिनेशन अगर होल्ड हो सके तो फिर हम कहेंगे कि ये जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास ट्रू होगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल सी, यहां पर स्टूडेंट्स हमें गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, इस एग्जांपल को मैंने वैसे ये प्रॉपर सॉल्व किया है दोबारा, पहले हम इसी को ही डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर हमें स्टूडेंट्स गिवन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहां पर पहले मैं इस एक्स स्क्वायर को एच ऑफ एक्स कह रहा हूं, लेट एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, वी वांट टू प्रूव दैट एच ऑफ एक्स माइनस सी स्क्वायर का मॉड विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ये चीज हम प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, बाय टेकिंग एक्स सफिशियंटली क्लोजर टू सी, कि जैसे जैसे x क्लोज होता जाएगा c के, इसी तरह स्टूडेंट्स हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि h ऑफ x माइनस c स्क्वायर का मॉड विच इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, वी नोट दैट x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर किसके इक्वल होता है, x प्लस c x माइनस c। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसे आप लिख सकते हैं, यानी एक्स प्लस सी और एक्स माइनस सी, ये भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी हमारे पास यही साइड आएगी। ठीक है, इफ एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन वन, देन देखें स्टूडेंट्स अगर हम x माइनस सी का मॉड चूज करते हैं लेस देन वन, दिस इंप्लाइज क्या होगा, आप इस मॉड को ओपन करें x माइनस सी का मॉड, ये लेस देन आ जाएगा x का मॉड माइनस सी का मॉड, और ये हमें गिवन है कि x माइनस सी का मॉड इज लेस देन वन, ये लेस देन हो जाएगा वन वन से, तो हम लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज x माइनस सी का मॉड इज लेस देन। ठीक है, या आप लिखना चाहें तो ये x का मॉड ये लेस देन हो जाएगा c का मॉड प्लस वन, यानी c को हम इस साइड पर लेके जा सकते हैं। तो ये वैसे बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं कि x माइनस सी का मॉड इज लेस देन x का मॉड इज लेस देन c का मॉड प्लस वन, या आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि x का मॉड इज लेस देन c का मॉड प्लस वन, ये भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने ये चीज यूज की है। ठीक है, देखिए यहां पर x का मॉड इज लेस देन c का मॉड प्लस वन, सो दैट x प्लस c का मॉड, देखें
एक्स प्लस सी का मॉड स्टूडेंट किसके इक्वल आएगा, इज लेस देन इक्वल देन एक्स का मॉड प्लस सी का मॉड, और हमें पता है कि एक्स का मॉड लेस देन है सी का मॉड प्लस वन, तो यहां पर हम एक्स के मॉड की जगह हम सी का मॉड प्लस वन एड कर सकते हैं, तो सी का मॉड प्लस सी का मॉड ये टू सी का मॉड प्लस वन, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि एक्स प्लस सी का मॉड इज लेस देन टू सी का मॉड प्लस वन। देखें स्टूडेंट्स, हमें ये चीज की बनाए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये चीज हमें की बनाए एग्जाम्पल नंबर सी। हम ये चीज प्रूफ करना चाहते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी, ठीक है, ये चीज हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो पहले हम स्टूडेंट्स इस चीज को देख रहे हैं कि ये चीज किसकी इक्वल आती है, यानी हम एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी, ये मैं लिख सकता हूं। फिर वो कह रहा है कि अगर हम चूज करते हैं एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन वन, ठीक है, अगर हम ये चीज चूज करते हैं, वैसे स्टूडेंट्स इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कि x माइनस सी का मॉड इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा, ये चीज लिखेंगे ना। तो अगर हम यहां पर डेल्टा वन ले रहे हैं, ठीक है, ये चीज वन ले रहे हैं, तो अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो दिस इंप्लाइज मैं इसे लिख सकता हूं कि x का मॉड इज लेस देन सी का मॉड प्लस वन, मैं आपको पहले ही ये चीज सॉल्व करके बता चुका हूं, ठीक है। अगर यहां पर x का मॉड इज लेस देन c का मॉड प्लस वन आता है तो हम इस रिजल्ट को क्या लिख सकते हैं, ये रिजल्ट हमारे पास है x प्लस c, इसका मॉड आप लेंगे लेस देन इक्वल देन, ये आ जाएगा x का मॉड प्लस c का मॉड, और आपको पता है कि x का मॉड यहां पर क्या आता है, c का मॉड प्लस वन आता है, तो दिस इंप्लाइज कि x प्लस c का मॉड ये लेस देन आ जाएगा सी का मॉड प्लस वन प्लस सी का मॉड, इसे अगर आप सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है लेस देन टू सी का मॉड प्लस वन, ये रिजल्ट आता है हमारे पास, ठीक है। अब हम यहां से चूज करेंगे हमारे पास जो एप्सिलॉन, कि हम एप्सिलॉन क्या चूज करें कि ये जो डेफिनेशन है वो हमारे पास होल्ड हो सके, ठीक है। देन देयरफॉर इफ एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन वन वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मॉड विच इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का मॉड डॉट एक्स माइनस सी का मॉड, ठीक है। यहां पर हमने क्या लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को, अब हम स्टूडेंट्स ये चीज वन ही ले रहे हैं, ठीक है, कि एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन वन, यानी x माइनस सी का मॉड ये क्या होता है ग्रेटर देन जीरो और लेस देन क्या होता है हमारा डेल्टा होता है, यहां पर डेल्टा हम वन ले रहे हैं, कि अगर हम डेल्टा वन लेते हैं तो हमारे पास एप्सिलॉन की क्या वैल्यू होती है, ठीक है, ये हम देखने जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मॉड यानी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मॉड ये इक्वल आता है स्टूडेंट्स एक्स प्लस सी का मॉड और x माइनस सी का मॉड, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये किसके इक्वल था x प्लस सी और x माइनस सी के इक्वल था, तो अगर आप मॉड अप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मॉड ये इक्वल आ जाएगा x प्लस सी का मॉड और x माइनस सी का मॉड, ये चीज आ जाएगी। और आपको स्टूडेंट्स पता है कि x माइनस सी का मॉड ये लेस देन वन है और x प्लस सी का मॉड ये लेस देन टू सी का मॉड प्लस वन है, ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में यही वैल्यूज पुट कर देंगे
ये इक्वेशन नंबर वन है, तो आपने क्या किया है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स एक्स प्लस सी का मॉड, यानी ये लेस देन होता है टू सी का मॉड प्लस वन, और ये एक्स माइनस सी का मॉड ये अपने वैसे रहने, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे नेक्स्ट टाइम में कि एक्स स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर का मॉड लेस देन टू सी का मॉड प्लस वन डॉट एक्स माइनस सी का मॉड, ठीक है। तो अगर हम एक्स माइनस सी के मॉड को एप्सिलॉन ओवर टू सी का मॉड प्लस वन चूज करते हैं, तो फिर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन होता है, जो कि हम यही प्रूव करना चाहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक यहाँ पर गिवन था कि एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मॉड इज लेस देन एक्स प्लस सी का मॉड मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस सी का, ठीक है। हमने ये जो वैल्यू चूज की थी कि एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन वन, ठीक है, यहां से हमने ये इस चीज को सॉल्व करने के लिए, इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू में चूज की, ताकि हमारे पास एक्स प्लस सी के मॉड की वैल्यू आ जाए, ये लेस देन आती है यहां पर टू सी का मॉड प्लस वन आती है, ठीक है। तो फिर ये तो वैसे इक्वल होता है यहां पर, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मॉड इज लेस देन टू सी का मॉड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस सी का मॉड, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मॉड इज लेस देन टू सी का मॉड प्लस वन। अगर हम एक्स माइनस सी का मॉड चूज करते हैं एप्सिलॉन ओवर टू सी का मॉड प्लस वन, ये अगर हम चूज करते हैं तो ये वैल्यू कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ये चीज हम प्रूव करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंटली इफ वी चूज ठीक है डेल्टा इन टू एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू इनिफिमम ऑफ वन वाव एप्सिलॉन ओवर टू सी का मॉड प्लस वन, देन If x minus c ka mod is greater than 0 less than delta of epsilon, it will follow first that x minus c ka mod is less than 1, so that 1 is valid, and since x minus c ka mod is less than epsilon over 2 c ka mod plus 1, then this hold, ठीक है। तो अगर हम ये delta of epsilon अगर हम ये choose कर लेते हैं कि infimum of 1 wow एप्सिलॉन ओवर टू सी का मॉड प्लस वन, यानी हम ये वैल्यू चूज कर रहे हैं वन वाव एप्सिलॉन ओवर टू सी का मॉड प्लस वन, ठीक है। तो पहली बात है कि स्टूडेंट्स एक्स माइनस सी का मॉड इज ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन, इट विल फॉलो फर्स्ट दैट कि एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन वन, सो दैट वन इज वैलिड, ठीक है, कि वन इज वैलिड, एंड सिंस एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर टू सी का मॉड प्लस वन, देन दिस आल्सो वैलिड, एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब तो अगर आप ये चीज चूज करते हैं डेल्टा और डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन, फिर स्टूडेंट्स ये हमारे पास डेफिनेशन, ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये होल्ड करती है, ठीक है। ये आप एग्जांपल इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी आप डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं, एक बार आप वन चूज करेंगे, फिर एक बार एप्सिलॉन ओवर टू सी का मॉड प्लस वन ये चूज कर, यहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो इज ग्रेटर देन जीरो, ये आर्बिट्रेरी हम चूज कर रहे हैं, आर्बिट्रेरी, ठीक है। फिर हम स्टूडेंट्स ये डेल्टा चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर आप चूज करते हैं तो फिर ये हमारे पास डेफिनेशन जो होती है वो होल्ड करती है।
तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वही स्टेप्स हैं जो कि हम अभी देख चुके हैं, तो आप इसको भी स्टडी कर लेना, वही सारे स्टेप्स हैं जो कि हम अभी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर उसने ये चूज किया डेल्टा, फिर इसने ये डेफिनेशन किया कि ये डेफिनेशन होल्ड करती है कि एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, सिंस वी हैव अ वे ऑफ चूजिंग डेल्टा फॉर एनी आर्बिट्रेरी चॉइस ऑफ एप्सिलॉन, वी इन्फर दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये चीज क्या है, ट्रू, यानी वो कह रहा है कि वी हैव अ वे ऑफ चूजिंग, ठीक है, डेल्टा, यानी ये हमारे पास वे है जिस वे से हम डेल्टा चूज करने लगे। यहां पर आप पहले एप्सिलॉन देखेंगे, ये हमने एप्सिलॉन किसी एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन के लिए ये हमने रिजल्ट्स निकाले हैं कि डेल्टा की ये वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, जो भी आप देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एप्सिलॉन की वैल्यू चूज कर लेते हैं तो उस सूरत में आप ये चीज यूज करेंगे। अगर आप वैसे लिखते हैं कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो तो उसके लिए आपको फिर ये दोनों वैल्यूज देखनी पड़ेंगी, फिर आपको ये वैल्यू भी यूज करनी पड़ेगी और आपको ये वैल्यू भी यूज करनी पड़ेगी। अगर आप एप्सिलॉन कोई वैल्यू चूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0.5 चूज कर लेते हैं या 1/2 चूज कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पर आप एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे, फिर सी की वैल्यू भी देखेंगे, तो हम ये आर्बिट्रेरी रिजल्ट्स के लिए ही हम चॉइस ले रहे हैं। बस हमने ये स्टूडेंट्स प्रूव करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर, बस हमने ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर डी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी 1/x विच इज इक्वल टू 1/c इफ सी इज ग्रेटर देन 0। ये हमने यहां पर स्टूडेंट्स प्रूव करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी 1/x, ये हमने प्रूव करना है कि ये 1/c के इक्वल है इफ सी इज ग्रेटर देन 0। यहां पर सी जीरो नहीं आ सकता, अगर जीरो आएगा स्टूडेंट्स फिर ये अनडिफाइंड है, तो यहां पर सी ग्रेटर देन जीरो ही आप ले सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, लेट फाई ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1/x, यहां पर हम 1/x को फाई ऑफ एक्स कह रहे हैं और एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एंड लेट सी इज ग्रेटर देन जीरो टू शो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फाई विच इज इक्वल टू 1/c, वी विश टू मेक द डिफरेंस फाई ऑफ एक्स माइनस 1/c का मॉड विच इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/c का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये हम लेस देन एप्सिलॉन ये प्रूव करना चाहते हैं बाय टेकिंग एक्स सफिशियंटली क्लोजर टू सी। वी फर्स्ट नोट दैट, देखिए स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं कि अगर एक्स जैसे जैसे सी को अप्रोच करते हैं वैसे ही हम यहां पर ये प्रूव करना चाहते हैं कि फाई ऑफ एक्स माइनस 1/c का मॉड, इसे आप लिख सकते हैं 1/x माइनस 1/c का मॉड, ठीक है, लेस देन एप्सिलॉन, ये हम प्रूव करना चाहते हैं कि व्हेन एक्स जैसे जैसे सी को अप्रोच करें तो उस सूरत में हम ये चीज प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, वी फर्स्ट नोट दैट 1/x माइनस 1/c का मॉड, ये हम लिख सकते हैं कि 1/cx इनटू सी माइनस एक्स का मॉड, यानी हम 1/x माइनस 1/c का मॉड ये हम लिख सकते हैं 1/cx इंटू एक्स माइनस सी का मॉड, यानी आप 1/cx को x से भी मल्टीप्लाई करें और c से भी मल्टीप्लाई करें, या c माइनस एक्स है ना, c माइनस एक्स, पहले c से c कैंसिल 1/x आ जाएगा,
यानी हम लिखेंगे ये 1 ओवर सी एक्स इन टू सी माइनस एक्स का मॉड, ये हम लिख सकते हैं ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 ओवर सी एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस सी। तो सी माइनस एक्स का मॉड ये इक्वल आएगा एक्स माइनस सी के मॉड, तो यानी हम 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर सी का मॉड लिख सकते हैं 1 ओवर सी एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस सी फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इट इज यूजफुल टू गेट एन अपर बाउंड फॉर द टर्म 1 ओवर सी एक्स दैट होल्ड इन सम नेबरहुड ऑफ सी, ठीक है, हम यहां पर 1 ओवर सी एक्स का कोई अपर बाउंड देखेंगे कि ये टर्म किस से लेस देन है, ठीक है, इन सम नेबरहुड ऑफ सी, सी के नेबरहुड के अंदर ही, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी यहां पर मैंने आपको फिगर के जरिए समझाया था, ये हमारे पास कोई सी है तो ये उसका नेबरहुड है, यानी आप जो भी एक्स चूज करते हैं वो सी के नेबरहुड के अंदर ही चूज करते हैं, ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या होता है डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी होता है विच इज इक्वल टू सी प्लस डेल्टा सी माइनस डेल्टा। तो जो भी आप एक्स चूज करते हैं वो इसी नेबरहुड के अंदर ही चूज करते हैं, नेबरहुड के अंदर से ही चूज करते हैं। तो अगर हम यहां पर हम 1 ओवर सी एक्स का कोई अपर बाउंड फाइंड करना चाहते हैं, अपर बाउंड कि 1 ओवर सी एक्स किस से ग्रेटर है और किस से लेस है, किस वैल्यू से लेस है, ठीक है, किस वैल्यू से ग्रेटर है और किस वैल्यू से लेस है, यानी इसी सी के नेबरहुड्स के अंदर ही रहेगी, ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स ये भी जानते हैं कि एक्स माइनस सी का वार्ड ये क्या होता है, लेस देन डेल्टा होता है, यहां पर एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन 1 ओवर 2 सी, यानी ये हम कोई डेल्टा चूज कर रहे हैं, आप यहां पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये हम डेल्टा चूज कर रहे हैं। तो अगर हम ये डेल्टा चूज कर रहे हैं एक्स माइनस सी का मॉड ये लेस देन है 1 ओवर 2 सी, अगर हम ये कोई डेल्टा चूज कर रहे हैं, ठीक है, किसके अंदर है कि डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी के अंदर है, सी प्लस डेल्टा सी माइनस डेल्टा। तो अगर हम ये डेल्टा चूज करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि एक्स माइनस सी ये ग्रेटर होगा माइनस 1 ओवर 2 सी से और लेस देन होगा 1 ओवर 2 सी से। सी को आप क्या करें, यहां पर भी ऐड कर दें और यहां पर भी ऐड कर दें, तो यहां बन जाएगा c माइनस 1 ओवर 2 सी इज लेस देन x इज लेस देन 1 ओवर 2 सी प्लस सी। तो आप देखें तो ये बनता है 2 सी माइनस सी ओवर 2 इज लेस देन x इज लेस देन, ये बनता है 2 सी प्लस 2 सी। तो हम लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 1 ओवर 2 सी इज लेस देन 3 ओवर 2 सी, ये हम लिख सकते हैं, यहां पर उसने यही लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 1 ओवर 2 सी इज लेस देन 3 ओवर 2 सी, यानी x इज ग्रेटर देन 1 ओवर 2 सी इज लेस देन 3 बाय 2 सी। हम 1 ओवर सी एक्स का अपर बाउंड फाइंड करना चाहते हैं, इसका हम क्या करना चाहते हैं, अपर बाउंड फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को 1 ओवर सी एक्स बनाने के लिए हम पहले सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है सी एक्स इज ग्रेटर देन 1 ओवर 2 सी डॉट सी इज लेस देन 3 ओवर 2 सी डॉट सी, ठीक है। तो ये बनता है 1 ओवर 2 सी स्क्वायर इज लेस देन सी एक्स इज लेस देन 3 ओवर 2 सी स्क्वायर। तो हमें चाहिए 1 ओवर सी एक्स चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे,
जब आप रेसिप्रोकल लेंगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 ओवर सी एक्स इज ग्रेटर देन 3 ओवर 2 सी स्क्वायर. तो दिस इंप्लाइज आप इसे लिख सकते हैं 1 ओवर सी एक्स इज ग्रेटर देन 3 ओवर 2 सी स्क्वायर इज लेस देन 1 ओवर 2 सी स्क्वायर. ठीक है, जब आप रेसिप्रोकल लेते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है. पहले ये इस फॉर्म में था, जब आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. तो फिर हम 1 ओवर सी एक्स को लिख सकते हैं ग्रेटर देन 3 ओवर 2 सी, यानी 1 ओवर सी एक्स इज ग्रेटर देन 3 ओवर 2 सी स्क्वायर इज लेस देन 1 ओवर 2 सी स्क्वायर. हमने 1 ओवर सी एक्स का अपर बाउंड फाइंड करना था, तो 1 ओवर सी एक्स का ये जो अपर बाउंड होगा ये होगा 1 ओवर 2 सी स्क्वायर होगा. ये वैल्यू इसकी क्या होगी, अपर बाउंड होगी, अपर बाउंड. ठीक है, ये हमारे पास लोअर बाउंड है, यहां पर आपको बता देता हूं ये लोअर बाउंड. और ये स्टूडेंट्स वैल्यू क्या है, ये हमारे पास क्या है, अपर बाउंड है. तो हमने अपर बाउंड ही चूज करना था, अपर बाउंड यहां पर 1 ओवर 2 सी स्क्वायर आता है. तो हमने स्टूडेंट्स x माइनस सी का मॉड ये चूज किया था लेस देन 1 ओवर 2 सी, ये चूज किया था. ठीक है, ये हमारे पास डेल्टा है. तो देखिए यहां पर इसका अपर बाउंड क्या आता है, 2 ओवर सी स्क्वायर आता है. ठीक है, हाँ 2 ओवर सी स्क्वायर, हाँ सॉरी, वो जब आप यानी ये हमारे पास है कि x इज ग्रेटर देन 1 ओवर 2 सी इज लेस देन 3 ओवर 2 सी. तो जब आपने सी एक्स बनाया था ये बनता है 1 ओवर 2 सी स्क्वायर इज लेस देन 3 ओवर 2 सी स्क्वायर. ये 1 ओवर सी एक्स इज ग्रेटर देन, यानी ये इस तरह बनता है स्टूडेंट्स, ये सॉरी 2 ओवर सी स्क्वायर बनेगा, 2 ओवर 3 सी स्क्वायर. इसे आप लिख सकते हैं 1 ओवर सी एक्स इज ग्रेटर देन 2 ओवर 3 सी स्क्वायर इज लेस देन 2 ओवर सी स्क्वायर. ठीक है, सॉरी. तो यहां से अगर आप देखें तो ये हमारे पास लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड, और ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, अपर बाउंड. पहले मैं मिस्टेक कर गया था, वो मैंने ये 1 ओवर 2 को फिर मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया था. 1 ओवर 2 का रेसिप्रोकल क्या आता है, वो 2 आता है, ये मैंने वो मिस्टेक की थी. तो ठीक है, यहां पर दोबारा हमने लिखा स्टूडेंट्स के 1 ओवर सी एक्स इज ग्रेटर देन 2 ओवर 3 सी स्क्वायर इज लेस देन 2 ओवर सी स्क्वायर. तो ये हमारे पास अपर बाउंड है. ठीक है, कि 1 ओवर सी एक्स ये लेस देन है 2 ओवर सी स्क्वायर. ठीक है, हमने चूज किया था कि x माइनस सी का मॉड इज लेस देन 1 ओवर 2 सी. ठीक है, ये हमने वैल्यू चूज की. तो स्टूडेंट्स 1 ओवर सी एक्स इज लेस देन 2 ओवर सी स्क्वायर फॉर x माइनस सी का मॉड इज लेस देन 1 ओवर 2 सी. अगर आप ये वैल्यू चूज करते हैं x माइनस सी का मॉड, तो फिर इसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास स्टूडेंट्स ये अपर बाउंड की वैल्यू आती है 2 ओवर सी स्क्वायर. तो देयरफॉर फॉर दीज वैल्यूज ऑफ एक्स वी हैव फाइ ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर सी का मॉड इज लेस देन 2 ओवर सी का मॉड 2 ओवर सी स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स माइनस सी. ठीक है, यहां पर हमने इसकी वैल्यू लिखी है, यानी 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर सी का मॉड ये हमारे पास इक्वल था 1 ओवर सी एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस सी. अब हमें इसका अपर बाउंड चाहिए था कि 1 ओवर सी एक्स किस से लेस होगी वैल्यू. तो ये 1 ओवर सी एक्स ये लेस देन है 2 ओवर सी स्क्वायर.
फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि phi of x minus 1 over c का mod is less than equal than 2 over c square mod of x minus c. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इन ऑर्डर टू मेक दिस लास्ट टर्म लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, वी चूज x माइनस सी का मॉड इज लेस देन 1 ओवर 2 सी स्क्वायर एप्सिलॉन. ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट आया था इक्वेशन नंबर टू हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स, वो थी हमारे पास कि फाइव ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर सी का मॉड, इससे आप लिख सकते हैं कि 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर सी का मॉड ये लेस देन इक्वल देन था 2 ओवर सी स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स माइनस सी. अब हमें एक्स माइनस सी की मॉड की वैल्यू चाहिए, ये टोटल रिजल्ट लेस देन एप्सिलॉन हो जाए. तो अगर हम यहां पर एक्स माइनस सी का मॉड ये चूज करते हैं कि ये लेस देन है किससे, यानी सी स्क्वायर एप्सिलॉन ओवर 2, इस वैल्यू से लेस है. अगर आप यहां पर ये वैल्यू पुट करें तो ये लेस देन इक्वल देन 2 ओवर सी स्क्वायर डॉट ये सी स्क्वायर एप्सिलॉन ओवर 2. देखेंगे सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बन जाएगा फाइव ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर सी का मॉड इज लेस देन स्टूडेंट्स ये एप्सिलॉन होता है. या आप लिख सकते हैं कि 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर सी का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, पहले हमने स्टूडेंट्स क्या चूज किया था कि x माइनस सी का मॉड इज लेस देन 1 ओवर 2 सी, फिर हमने ये वैल्यू चूज की x माइनस सी का मॉड इज लेस देन सी स्क्वायर एप्सिलॉन ओवर 2. तो अगर हम डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन अगर हम चूज करते हैं इनफिमम ऑफ 1 ओवर 2 सी वाओ सी स्क्वायर एप्सिलॉन ओवर 2, तो फिर हमारे पास ये डेफिनेशन होल्ड करती है कि x माइनस सी का मॉड इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा. तो दिस इंप्लाइज, ठीक है, f ऑफ x माइनस l का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, ये डेफिनेशन होल्ड करती है. तो हम यहां पर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि लिमिट x अप्रोचेस टू c 1 ओवर x विच इज इक्वल टू 1 ओवर c, ये हमारे पास रिजल्ट क्या करता है, होल्ड करता है, होल्ड ट्रू. ये रिजल्ट जो है वो हमारे पास क्या है, ट्रू रिजल्ट है. ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि हम पहले ये चूज करेंगे ताकि अगर हम ये चूज ना करते तो फिर हमें इसकी वैल्यू नहीं मिलती, ये वाली वैल्यू नहीं मिलती 2 ओवर c, 1 ओवर c x की हमें वैल्यू ना मिलती, इसके अपर बाउंड की वैल्यू हम फाइंड ना कर पाते. तो अगर हम पहले ये वैल्यू चूज करते हैं तो फिर हम इसका अपर बाउंड फाइंड कर सकते हैं. तो फिर हमने इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही अपर बाउंड की वैल्यू फाइंड की. अगर ये वैल्यू आप चेंज कर देते हैं तो अपर बाउंड की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. ठीक है, ये आपने याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x माइनस सी का मॉड इज लेस देन सी चूज कर लेता हूं या 3/2 c ये चूज कर लेता हूं तो फिर अपर बाउंड की वैल्यू चेंज हो जाएगी. देखें, फिर आप इसे लिख सकते हैं कि माइनस 3/2 c इज लेस देन x माइनस सी इज लेस देन 3/2 c, ये आप लिख देखेंगे. फिर c को आप ऐड करेंगे, ये बन जाएगा c माइनस 3/2 c इज लेस देन x इज लेस देन 3/2 c प्लस सी. ये बनता है स्टूडेंट्स 2c माइनस 3c, तो ये बनता है माइनस c ओवर 2 इज लेस देन x इज लेस देन, ये बनता है 5c ओवर 2. ठीक है, तो हम अपर बाउंड फाइंड करना चाहते हैं 1 ओवर c का, सी एक्स का. तो फिर आप स्टूडेंट लिखेंगे सी एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1/2 c² इज लेस देन 5c² ओवर 2. ठीक है, फिर आप लिखेंगे 1 ओवर सी एक्स, ये बन जाएगा
माइनस टू सी स्क्वायर, टू ओवर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू ओवर सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू ओवर फाइव, यहां पर लिखेंगे सी स्क्वायर, रेसिप्रोकल है ना। तो फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि वन ओवर सी एक्स ये ग्रेटर देन है टू ओवर फाइव सी स्क्वायर से, लेस देन है माइनस टू ओवर सी स्क्वायर से। अब ये हमारे पास अपर बाउंड की वैल्यू आ चुकी है, अपर बाउंड, ठीक है। जैसे जैसे आप ये वैल्यू चेंज करेंगे फिर ये हमारे पास वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर आप नेक्स्ट टाइम लिखेंगे कि फाइव ऑफ एक्स माइनस वन ओवर सी का मॉड इज लेस देन माइनस टू ओवर सी स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स माइनस सी, ठीक है। फिर हम यहां पर एक्स माइनस सी का मॉड ये अगर हम चूज करते हैं लेस देन सी स्क्वायर एप्सिलॉन ओवर माइनस टू चूज करते हैं, तो फिर ये स्टूडेंट्स फाइव ऑफ एक्स माइनस वन ओवर सी का मॉड ये फिर लेस देन एप्सिलॉन होता है। ये मैंने आपको फॉर एग्जांपल ये बताया है, लेकिन यहां पर नेगेटिव आपने नहीं लेना, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं लेना कि ये मॉड कभी भी इस नेगेटिव वैल्यू से लेस नहीं हो सकता, ठीक है, ये मॉड कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। लेकिन हमने जो भी x माइनस सी का मॉड चूज करना है, ये वन ओवर टू सी जैसे चूज किया है, ये हमने वो वैल्यू चूज करनी है ताकि हमारे पास ये पॉजिटिव रिजल्ट आए, ठीक है, नेगेटिव रिजल्ट आए। क्योंकि हमने देखें तो जब आप ये करते हैं स्टेप, ठीक है, x माइनस सी का मॉड इज ग्रेटर देन माइनस थ्री ओवर टू, अगर हम यहाँ पर वन ओवर टू लेते हैं फिर सी, सी फिर बड़ी, यहाँ पर ये बड़ी वैल्यू बन जाती है, जब आप टू से मल्टीप्लाई करते हैं सी को ये बड़ी वैल्यू बन जाती है। तो आपने यहाँ पर जो भी वैल्यू चूज करनी है आपने छोटी से छोटी वैल्यू चूज करनी है, ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। अगर आप टू ओवर थ्री भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल टू ओवर थ्री चूज करते हैं, एक्स माइनस सी का मॉड इज लेस देन टू ओवर थ्री सी, अगर आप ये चूज करते हैं तो फिर आप लिखेंगे कि x माइनस सी इज ग्रेटर देन माइनस टू ओवर थ्री सी इज लेस देन टू ओवर थ्री सी, तो आप लिखेंगे c माइनस टू ओवर थ्री सी इज लेस देन x इज लेस देन टू ओवर थ्री सी प्लस सी, तो फिर ये थ्री सी बनता है, तो थ्री सी माइनस टू सी ये c ओवर थ्री बनता है इज लेस देन x इज लेस देन ये फाइव सी, फाइव सी ओवर थ्री बन गया। फिर आप अगर लिखते हैं वन ओवर सी एक्स, तो ये स्टूडेंट्स आता है ये क्या बनता है थ्री ओवर सी स्क्वायर, ये बनता है स्टूडेंट्स हमारे पास थ्री ओवर फाइव सी स्क्वायर ये बनता है। तो फिर आप इसे लिख सकते हैं वन ओवर सी एक्स इज ग्रेटर देन थ्री ओवर फाइव सी स्क्वायर इज लेस देन थ्री ओवर सी स्क्वायर, तो फिर आप ये अपर बाउंड चूज करेंगे, ये अपर बाउंड वैलिड है, ठीक है, ये जो अपर बाउंड आप चूज कर रहे हैं ये हमारे पास वैलिड अपर बाउंड, ठीक है। फिर इसके मुताबिक ही आप एक्स माइनस सी के मॉड की वैल्यू चूज करेंगे, ये लेस देन आएगी सी स्क्वायर एप्सिलॉन ओवर थ्री आएगी, ठीक है, ये भी आप चूज कर सकते हैं, ये आप वैलिड रिजल्ट है, ये भी आप चूज करते हैं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो ये वैल्यू चूज करनी है हमने इस नेबरहुड से ही वैल्यू चूज करनी है सी के डेल्टा नेबरहुड से। तो ये आप एग्जांपल इस तरह सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, यानी सिंस वी हैव अ वे ऑफ चूजिंग डेल्टा फॉर एनी आर्बिट्रेरी चॉइस ऑफ एप्सिलॉन वी इन्फर दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी फाइव विच इज इक्वल टू वन ओवर सी, या हम लिख सकते हैं लिमिट x approaches to c 1 over x which is equal to 1 over c, ये हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर e, लास्ट एग्जाम्पल है, यहां पर हमें नए स्टूडेंट्स प्रूव करना है कि लिमिट x approaches to 2
एक्स क्यूब माइनस फोर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन विच इज इक्वल टू फोर ओवर फाइव, ये हमने प्रूव करनी है कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो फोर ओवर फाइव है जब एक्स अप्रोच करते हैं टू को। यहां पर पहले हम फंक्शन को साई ऑफ एक्स चूज कर रहे हैं, ये हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस फोर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हमारे पास साई ऑफ एक्स है फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। देन अ लिटिल अलजेब्रिक मैनिपुलेशन गिव्स अस कि साई ऑफ एक्स माइनस फोर ओवर फाइव, ठीक है, इसका मॉड यानी ये आप समझ लें एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मॉड है। तो ये उसने मतलब थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन की है, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या था यहां पर लिख लेते हैं, ये चीज क्या बनेगी यहां पर, ये चीज बनेगी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स क्यूब माइनस फोर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर ओवर फाइव का मॉड, ये बनेगा। इसके मॉड को आप करें सॉल्व तो ये फाइव इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बनता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन से ये कैंसिल, फाइव से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा फाइव एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी, फिर ये फोर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन से, ये बनेगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है। तो इसको देखें तो ये बनता है फाइव एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर, देखें ये माइनस ट्वेंटी और ये माइनस फोर, ये माइनस ट्वेंटी फोर। फिर उसने मॉड अलग अलग कर लिया, इसका भी मॉड अलग कर लिया और इस वैल्यू का, इस वैल्यू का मॉड आप ना लें तो सिंपल ये वैसे वैल्यू आ सकती है। और फिर इसने स्टूडेंट्स क्या लिखा है कि यहां पर लिख लेती हैं कि फाइव एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व, ये अगर मल्टीप्लाई करें एक्स माइनस टू से तो फिर हमारे पास वही रिजल्ट बनता है फाइव एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर, यानी उसने इस चीज को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। ये बनता है फाइव एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व का मॉड ओवर फाइव इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डॉट एक्स प्लस एक्स माइनस टू का मॉड टू गेट अ बाउंड ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस टू वी रिस्ट्रिक्ट एक्स बाय द कंडीशन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम यहां पर इस वैल्यू का हम बाउंड फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। इस वैल्यू क्या क्या फाइंड करना चाहते हैं, बाउंड फाइंड करने के लिए हम इस यानी ये जो भी वैल्यू है इस वैल्यू को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे इस कंडीशन पर कि यहां पर जो x है वो ग्रेटर देन वन है और लेस देन थ्री है, यानी x माइनस टू इस वैल्यू का बाउंड फाइंड करने के लिए, इस वैल्यू का बाउंड फाइंड करने के लिए हम यहां पर जो भी x है उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वन टू थ्री। आप कोई और वैल्यू भी चूज कर सकते हैं, ठीक है, x की। अगर हम इस इंटरवल पर x को रिस्ट्रिक्ट करते हैं देन वी हैव फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, यहां पर एक्स स्क्वायर होना स्टूडेंट्स, यहां पर इसने मिसिंग की है, आपने ये एक्स स्क्वायर डालना है क्योंकि ये एक्स वैसे है, यहां पर एक्स स्क्वायर आएगा, यहां पर एक्स क्यूब है, यहां पर एक्स स्क्वायर आएगा, फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस टू। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फाइव एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर आता है। तो अगर आप x की ये वैल्यू चूज करते हैं, ठीक है, तो यानी x इज ग्रेटर देन वन लेस देन थ्री, देन फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व ये लेस देन इक्वल देन आता है, यानी देखें हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व का मॉड ओवर फाइव इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, आई थिंक यहां पर देख लेना, यहां पर एक्स माइनस टू का मॉड, ठीक है। इस वैल्यू की हम, इस टर्म की हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। यहां पर इसका बाउंड फाइंड करने के लिए, इस वैल्यू का बाउंड फाइंड करने के लिए हम यहां पर एक्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ग्रेटर देन वन लेस देन थ्री, ठीक है।
तो अगर x ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 3 है स्टूडेंट्स, तो यहां से जो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 ये लेस देन होगा 5x की, यहां पर वैल्यू हम क्या ले रहे हैं यानी x इज लेस देन 3 है, तो ये टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी, लेस देन बन जाएगी 5.3, 3 का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर है यानी x की जगह हम 3 पुट कर रहे हैं, प्लस 6.3 प्लस 12 ये लेस देन बन जाएगा 5.9 प्लस 18 प्लस 12, ठीक है ये लेस देन बन जाएगा, ठीक है ये बन जाएगा 45 प्लस 18 प्लस 12, तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये टोटल लेस देन बनता है आई थिंक 79 है, देख लेते हैं, हाँ 75 है, ठीक है ये लेस देन बनता है स्टूडेंट्स 75 एंड 5 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 ये ग्रेटर देन बनता है, देखें x इज ग्रेटर देन 1 तो आप यहां पर 1 को चूज कर रहे हैं तो आप लिखेंगे 5 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 5 इनटू 1 प्लस 1 तो ये बनता है 10, सो दैट साई ऑफ x माइनस 4 ओवर 5 इज लेस देन इक्वल देन 75 ओवर 10 मॉड ऑफ x माइनस 2, इसको अगर आप कैंसिल करें तो ये 15 ओवर 2 बनता है, यानी हम लिख सकते हैं कि साई ऑफ x माइनस 4 ओवर 5 का मॉड इज लेस देन 15 लेस देन इक्वल देन 15 ओवर 2 मॉड ऑफ x माइनस 2। अब हम x माइनस 2 की वैल्यू चूज करेंगे, अगर हम x माइनस 2 के मॉड की वैल्यू चूज करते हैं 2 ओवर 15 एप्सिलॉन, फिर ये हमारे पास टोटल रिजल्ट लेस देन क्या आता है, एप्सिलॉन आता है, ठीक है ये चीज इस तरह वो प्रूव कर रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स अगर आप दोबारा लिखें इस चीज को, यानी हमें स्टूडेंट यह गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4, यानी यहां से लिख लेते हैं साई ऑफ एक्स माइनस 4 ओवर 5 का मॉड, ये हमें यहां पर गिवन है मॉड ऑफ 5 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 12 ओवर 5 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है हम इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, यानी इस चीज का मॉम फाइंड करना चाहते हैं, फिर हम यहां पर जो x है इसे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 1, 2, 3 इस इंटरवल पर, ठीक है तो फिर क्या आ जाएगा, अगर x इज लेस देन 3 है, यानी हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 का मॉड ओवर 5 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 ये वैल्यू किस से लेस है, ये हम फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए हमने x को इस इंटरवल पर रिस्ट्रिक्ट किया है, तो यहां से हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 ये लेस देन आता है 75, इसी तरह 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लेस देन आता है, ये ग्रेटर देन आता है 10 से, तो 1 ओवर 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये लेस देन आ जाएगा 1 ओवर 10 से, ठीक है अब ये भी लेस देन है वैल्यू, ये भी लेस देन है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 6x प्लस 12 का मॉड ओवर 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स ये लेस देन इक्वल देन बन जाएगा 75 ओवर 10, ठीक है तो हम नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे कि साई ऑफ एक्स माइनस 4 ओवर 5 का मॉड इज लेस देन इक्वल देन 75 ओवर 10 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ये हम लिखेंगे
फिर हम 75 ओवर 10 इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये बनता है 15 ओवर 2 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है, यानी साई ऑफ एक्स माइनस 4 ओवर 5 कम ऑन। फिर हम इस यहां पर लिख लेते हैं कि हम एक्स माइनस 2 के मॉड की क्या वैल्यू चूज करेंगे, ये चूज करेंगे लेस देन 2 ओवर 15 एप्सिलॉन। अगर हम ये चूज करते हैं तो लिख सकते हैं यहां पर लेस देन इक्वल देन 15 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 15 एप्सिलॉन, तो 2 से 2 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल। तो हम नेक्स्ट टाइम में यहां पर स्टूडेंट लिख सकते हैं कि साई ऑफ एक्स माइनस 4 ओवर 5 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये कि हम यहां पर पहले स्टूडेंट्स हम जो चूज कर रहे हैं डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन इनफिमम ऑफ 1 वाउ 2 ओवर 15 एप्सिलॉन, अगर हम ये पहले चूज करते हैं तो फिर ये टोटल रिजल्ट लेस देन एप्सिलॉन आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। देयरफॉर इफ एक्स माइनस 2 का मॉड इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन, वी हैव साई ऑफ एक्स माइनस 4 ओवर 5 का मॉड इज लेस देन 15 ओवर 2 मॉड ऑफ x minus 2 is less than epsilon, since epsilon is arbitrary, we assert that this result is true, ये result क्या है हमारे पास true hold कर, ये examples आप इस तरह prove करेंगे, ठीक है। तो thanks for watching this lecture, अगर आपको ये lecture अच्छा लगा हो तो channel को subscribe करें, video को like और share करें।